while we are going to our resort, we stopped here for a lunch in this beautiful cafe. Let me show you around. Hello, namaste and welcome back to my channel everybody. My name is Himani and I'm back with yet another new video, and in today's video I am going to take you guys around Goa. अब Goa सुनते ही सबसे पहले आपके mind में ये आता है हिमानी beaches दिखाने वाली है, तो no, you're wrong. आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि इस बारी मैं गोवा में आपको कोई भी एक भी सिंगल बीच नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ गोवा विच इज़ वाइल्ड लाइफ. और मैं यहाँ पर जस्ट 2 days के लिए आई हुई हूँ, एंड ऑल्सो इस ट्रिप पे मैं अकेली नहीं हूँ, मैं किसी को साथ में लेकर आई हूँ. सो आपकी तरह ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, इस तरीके से मैं बहुत सारे लोगों से मिलते रहती हूँ. सो समहाउ मैंने सोचा कि इस ट्रिप के लिए क्यों ना मैं किसी ऐसी बंदी को अपने साथ लेकर आऊँ जो कि ट्रैवल में इंटरेस्टेड भी है और शी वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम मी. तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक कॉन्टेस्ट किया था, चलो किसी एक को इसमें सिलेक्ट करते हैं, और वो बड़ा रैंडम था. वो रैंडमली मैंने सिलेक्ट करके जिसको मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर, शी इज़ हियर, तो उसको बुलाते हैं. आ जाओ अपने दर्शन करा दो मेरे चैनल पे. तो हर नेम इज़ गौरी. तुमको बैठना पड़ेगा. यस, हाय. ये है, आप अपने बारे में बताओ खुद ही. आई एम गौरी, आई एम डूइंग 9 to 5 जॉब एंड आई लव ट्रैवलिंग. आई एम रियली इंस्पायर विद हर. ओके, या वैसे कहाँ से हो तुम? वैसे आई एम फ्रॉम बरेली एंड आई एम डूइंग जॉब इन गुड़गांव. ओके, बरेली से है, गुड़गांव में जॉब करती है, एंड हम इंस्टाग्राम के थ्रू मिले. सो शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग अलॉन्ग. अभी तक का कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? अभी तक का रियली गुड एक्सपीरियंस. मतलब लाइक गोवा की ये साइट नहीं पता थी कि गोवा की ये भी साइट है. यहाँ पे सिर्फ ओनली बीचेस के बारे में सुना था, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है. क्योंकि रियली गुड. हाँ, क्योंकि हम जब आए उसके बाद हमने रात को नाइट सफारी की, एंड देन आज सुबह हम नेचर बर्ड वॉचिंग के लिए गए हुए थे, एंड इसका ये जो है गोवा फर्स्ट टाइम है. Exactly. और पहली बार शी इज एक्सपीरियंसिंग सो मेनी थिंग्स, लाइक नाइट सफारी इज आल्सो फर्स्ट टाइम फॉर मी. या सफारी ही पहली बार की इसने, और वो भी नाइट सफारी की सबसे पहले. तो यस, तो हम लंच करेंगे, लंच के बाद आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली अबाउट. बट उससे पहले मैं आपको फटाफट से ना रूम टूर दे देती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रीफली रूम टूर नहीं दिया है. तो एक बार रूम दिखा देते हैं आपको कैसा है. मर्ड कॉटेजेस है यहाँ पे, एंड आप शांति से सुनोगे तो आपको यहाँ पे चारों तरफ बर्ड की आवाज़ आती रहेगी, लाइक मेडिटेशन इट्सेल्फ. लाइक यहाँ पर बैठ जाओ, मेडिटेशन ऐसे ही हो जाएगा आपका. इट्स वेरी प्लेजेंट, लाइक वेरी काम एंड क्वाइट एट द सेम टाइम. लश ग्रीन है तो नज़रें हटती नहीं है ऐसे. तो यप, लेट मी टेक यू अराउंड द प्रॉपर्टी, लेट्स गो. It's a very nice aesthetic, simple yet beautiful. It's a mud cottage, nice spacious washroom जहाँ पे natural light आएगी यहाँ से. Pretty. मैं गौरी बताएगी क्या क्या खाने में आज. चलो गौरी, explain. चलो मुझे याद है, दिस इज रेड पम्पकिन फ्राइड, दिस इज कैबेज वेजिटेबल, दिस इज रेड भाजी, दिस इज मूंग की दाल, मूंग उसल, एंड दिस इज दाल उड़ी, हाँ, एंड दिस इज चपाती, दिस इज राइस. यप, एक्साइटेड टू हैव फूड, लेट्स ईट. फोटो सेशन के बाद minutes later. ये है, उसका पानी कितना क्लियर है.
इसका रीजन अगर हम यहाँ पे क्लैप करें ना तो यहाँ पे बबल्स आएंगे नीचे से, और इसका रीजन है साउंड वाइब्रेशन की वजह से. ओके अब करो दिखते फिर नीचे भी लाइक और कितना हियर. अच्छा फिशेस अब दिख तो नहीं दिए थे. मतलब स्टैंडिंग हियर और यहाँ से ऐसे लोगी ना मतलब, और फिर आई वॉक थ्रू हियर. देख यहाँ से ऐसे ऐसे करके एंड आई गो एंड आई सिट देयर. ठीक है लाइक वैसा चाहिए थोड़ा. फिर मैं ये देख रही हूँ कि ये वाला एंगल ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये स्टेयर्स भी है कि वो वाला One eternity later. वो उस तरफ से अगर तुम लो तो गौरी जी बताइए ये क्या है. ये है दिस इज अ पूल पूल स्प्रिंग पूल. लुक एट द फिशेस ओ माय गॉड बट वाटर इज सुपर क्लियर. मैंने सोचा कि वाइल आई एम गेटिंग रेडी आप लोगों के एक बहुत ही मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन का ना मैं जवाब दे देती हूँ. अब मुझे मोस्टली गर्ल्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि हिमानी आप इतना ट्रैवल करते हो और आपके बाल फिर भी इतने अच्छे और इतने हेल्दी कैसे हैं, आप अपने बालों की कैसे केयर करते हो. तो गाइज मैं कोई यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऐसा ज्ञान नहीं बांटूंगी. जस्ट सिंपली आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि आप अपने बालों की अगर अच्छे से ऑयलिंग कर लो, अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर कर लो ना, तो आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे. तो अच्छे से ऑयलिंग करना ना बालों की बहुत जरूरी होता है. तो नो मैटर व्हाट आई एम ट्रैवलिंग और मैं घर पर हूँ, कुछ भी हो, मैं मुझे हेयर वॉश करना है, उसके एक दिन पहले रात को मैं बालों में चंपी जरूर करती हूँ, मैं ऑयल जरूर लगाती हूँ. एंड इन दैट केस अगर मैं भूल गई, लाइक मैं अगर भूल गई ऑयलिंग करना, तो नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में उठ के बिफोर गोइंग टू शावर मैं उससे पहले 15-20 मिनट पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, सो दैट कि मेरे बालों में ऑयल हो जब मैं अपने हेयर वॉश करूँ. विदाउट ऑयलिंग मैं अपने बाल कभी भी वॉश नहीं करती हूँ. दैट्स द थिंग आई फॉलो लाइक रिलीजियसली. एंड फॉर ऑयलिंग विच ऑयल आई एम यूजिंग करेंटली, तो आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का आमंड हेयर ऑयल. इवन इसकी सबसे अच्छी चीज ये है ना कि जब मम्मी होती है तो मम्मी मस्त से चंपी करके देती है, बट विद दिस बॉटल यू कैन सी देयर इज दिस थिंग जो कि आपके बाल में आराम से, इसका अलग से भी कैप है बट दिस कैप इज लाइक मैंने अभी इसको लगाया है, तो ये जो है ये आपके बालों में आराम से आप इसे ऑयलिंग कर सकते हो. इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बालों में ऑयलिंग हो जाती है. इससे आपको अपने हाथ भी गंदे करने की जरूरत नहीं है, ऑयल करने की जरूरत नहीं है. इतना बड़ा सेवियर है मेरे लिए क्योंकि लुक एट द थिंग, लाइक इससे आराम से आप अपने बालों में मस्त ऑयलिंग कर सकते हो. आहा. Also in this there's vitamin E which helps in preventing hair loss, blood circulation अच्छा बना रहता है और आपके बालों को deeply moisturize करता है जिससे कि आपके बालों की जो hair elasticity है जो कि बरकरार रहे, आपके बाल strong रहे, soft रहे और अंदर तक जो है cell तक जाकर ये आपके बालों को एक अच्छा moisture देता है which is great. So this is it, मेरा oiling वाला काम हो चुका है. Now I'm going to wash my hair और hair wash करने के लिए I'm using the same इसी का range का almond shampoo and conditioner. तो मैं जल्दी से जाकर shower लेती हूँ और उसके बाद आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ. Two moments later. Hello. So I just got out of the shower और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि I am using the Mamaearth का ही almond oil range, almond range for like oil, shampoo and conditioner. इससे क्या होता है ना कि तीनों चीज़ें आप जब उसका पूरा range use करते हो तो आपका उसका difference जो है ना वो बहुत जल्दी समझ में आता है. तो किसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लिए every day is good hair day. Yeah. So इस shampoo का भी जो hero ingredient है वो है almond oil जो कि obviously आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके स्कैल्प, आपके हेयर, हेयर की इलास्टिसिटी, नरिशमेंट, सब चीज के लिए इट्स परफेक्ट.
ऑल्सो इसमें वीट अमीनो एसिड है जो कि आपके बालों को डीपली हाइड्रेट भी रखता है और कंडीशनिंग देता है एक बेहतरीन, सो जिससे कि आपके बाल जो है वो अच्छे से स्मूद, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग भी रहे एट द सेम टाइम। और जैसे कि बहुत सारे शैम्पू होते हैं, मेरा कंसर्न हमेशा से इस शैम्पू के लिए ये रहता है कि वो बहुत हार्श नहीं होना चाहिए हमारे बालों पे, एकदम जेंटल होना चाहिए। एंड मामा अर्थ के मैंने जितने भी शैम्पू इससे पहले भी यूज़ किए हैं, आर्गन ऑयल और ये सारे जो भी मैंने रेंज यूज़ की है, सबकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बिल्कुल ही हार्श नहीं होते आपके बालों पे। उसका जो फोम होता है वो इतना ज़्यादा मतलब इतना हार्श नहीं होता है। वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट जो है वो केमिकल फ्री होते हैं और आपके आपके स्किन आपके हेयर इसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, विच इज़ ग्रेट। ऑल्सो मामा अर्थ की एक बात जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये कि वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दे री यूज प्लास्टिक मोर देन दे यूज, दे नाउ रिसाइकिल प्लास्टिक ओवर 240 empty एवरी मंथ। कैन यू इमेजिन? इट्स अराउंड 1000 kgs, 1 empty is equals to 1000 kgs, so you can imagine how much plastic they are reusing, recycling, that's amazing, like मतलब ये चीज मेरे दिल पे लगी एकदम। ऑल्सो मामाअर्थ का जो प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है विच इज ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि मामाअर्थ में जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो इट विल गो डायरेक्टली टू अ प्लांट जो कि वो प्लांट करते हैं उस ऑर्डर के नाम पे, मतलब आपके नाम पे। एंड मामाअर्थ इज एमिंग 2025 तक 1 million ट्रीज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स इजीली परचेस कर सकते हैं फ्रॉम Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना विच इज राइट हियर, से यूज करके 20% का डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं। तो यप, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। ओके जी, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हिमानी अगेन रेडी होके कहाँ निकल पड़ी, आई मीन क्या करने आई हो तुम? तो गाइस, एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस व्लॉग कि हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो राइट नाउ आई एम रेडी फॉर सनसेट ट्रेल, जो कि हम वॉक करके एक जगह तक जाने वाले जहाँ से हमें सनसेट दिखेगा। दो वेदर थोड़ा क्लाउडी है और चांसेस ऐसे है कि सनसेट कुछ ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं दिखेगा, बट स्टिल वी आर होपिंग कि हमें बेहतरीन वाला सनसेट दिखे। तो आई एम ऑल रेडी, कम्फर्टेबल कपड़े पहन लिए क्योंकि थोड़ा जंगलों के बीच से जाना है। ऑल्सो दो चोटी बना लिए टू बी वेरी नाइस एंड पिक्चरिस्टिक, थोड़ी सी अच्छी इंस्टा वर्दी पिक्चर्स आ जाए उसके लिए। फॉरगेट इट, बाय द वे आई एम रेडी, गौरी का वेट कर रहे हैं, वो आएगी, हम जाएंगे साथ में। यप, एंड हमारे साथ हमें लेकर जाने वाली है अंगारिका जो कि इस नेचुरलिस्ट है हियर इन नेचर्स नेस्ट गोवा। तो यस, लेट्स गो। सो वी आर नाउ ऑफ फॉर सनसेट ट्रेल। रोड में काफ़ी गाड़ियाँ रफ्तार से चलती हुई और यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे फ्रूटी की बॉटल फेंकी हुई जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लास्टिक को ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए। पहली बात तो प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कम यूज़ करो, अच्छा है। एंड वी आर होपिंग कि इस क्लाउडी वेदर में हमें कुछ तो सनसेट दिख जाए, होपिंग, सिर्फ होप ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। सो मैं सनसेट ट्रेल के लिए लेकर चल रही है अंगारिका, से हाय। हाय। सो रास्ते में हो सकता है हमें कुछ बर्ड्स भी दिख सकते हैं, रॉन्गोस, रूफस ट्रिपाई, ग्रीन बीटर्स, ये सारे बर्ड्स दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी कितना वॉक है यहाँ से सनसेट ट्रेल, मतलब कितना? 10 minutes। 10 minutes का, ओके ठीक है, लेट्स गो। हाउ एक्साइटेड यू आर? I am super excited as always.